दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लियरफिक्स। क्लियरफिक्स का बूटस्ट्रैप 4.3 में कैसा यूज होता है मैं आज आपको बता देता हूं कि क्लियरफिक्स की हेल्प से आप सिर्फ फ्लोट में आप बॉक्सी से या कोई भी आपका डीएवी है उसको आप फ्लोट से सेट भी कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये कोड है और ये आउटपुट है। तो दोस्तों चलो यहाँ पे मैं एक पेरेंट डीएवी ले लेता हूँ, ठीक है, और उसमें एक दो डीएवी और ले लेता हूँ जिसके क्लास है वो मैं लगा देता हूँ बॉक्स, ठीक है। दो ये ले लेता हूँ, पहले मैं लगा देता हूँ टीचिंग, दूसरे में लगा देता हूँ वेब, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉक्सेस आ गए हैं मेरे, तो उन दोनों बॉक्सेस को मैं यहाँ पे हाइट विड्थ सेट करवा देता हूँ इंटरनल सीएसएस में। बॉक्स क्लास ले लिया, जो इसकी हाइट है वो मैं 100 पीएक्स लगा देता हूँ, जो इसकी विथ है वो भी मैं 100 पीएक्स लगा देता हूँ, जो इसका बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ बीजी डेंजर एंड बीजी इन्फो, ठीक है। अभी से मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये दो बॉक्स आ गए हैं मेरे पास। तो दोस्तों इस बॉक्स को मुझे यहाँ पे राइट पे सेट करवाना है और यहाँ पे ये जो है बॉक्स वो उसको मुझे लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका पेरेंट डीवी है उसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स का मीन्स क्या है, आप कोई भी डीवी और कोई भी टेक को आपको फ्लोट करने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश। तो दोस्तों ये जो मेरा पहला डेंजर वाला डीएवी है उसको मैं डायरेक्टली फ्लोट अब दे सकता हूँ फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि वो लेफ्ट में इसको लेफ्ट में ही रखना मैं चाहता हूँ, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला है उसको मैं दे देता हूँ डायरेक्टली फ्लोट राइट, ठीक है। अब सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट लेफ्ट और राइट। अब दोस्तों मान लो कोई भी डीएवी है मेरे पास, एक सिंगल डीएवी है, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से क्लियर फिक्स को। और एक बात आपको बता भूल गया, अगर आप क्लियर फिक्स नहीं भी लगाते हो तो भी यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्लोट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं निकाल देता हूँ और मान लो एक सिंपल बॉक्स है मेरे पास अब, ठीक है। अब एक सिंपल बॉक्स है मेरे पास, अब उसी बॉक्स को मुझे सेंटर में लेना है। तो मैं सेंटर में कैसे ले सकता हूँ उसको, तो सेंटर में लेने के लिए मेरे पास एक क्लास है आपको मैं बता देता हूँ, उसको लगाना है आपको एमएक्स ऑटो एंड डी ब्लॉक। डायरेक्टली आप इसे सेंटर में ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्लास आपको एक साथ लगानी है, एमएक्स ऑटो एंड डी ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।